ये गया धनिया धनिया पत्ता और ये चल गया अपना मशरूम का कलछी। हाँ, कलछी क्या बात है, थिक ग्रेवी वाला एकदम। हाँ, मस्त लग रहा है मम्मी, देखो खाने में मजा आ जाएगा। हाँ, उसको तो देखो मम्मी। हाँ, एक चीज कहूँ। हाँ, इसका टक्कर अगर नॉनवेज से भी हो जाए ना। हाँ, तो ये पीछे नहीं हटेगा। हाँ, क्या बना रही हो मम्मी आज? मशरूम बनाएंगे। मशरूम? हाँ, बहुत मस्त सब्जी इसका बनता है। आज अपने रूम में है मशरूम। आज अपने रूम में है मशरूम। तो देखो ये आधा किलो मशरूम है, हम इसको पहले अच्छी तरह धो लिए, पहले ही धोना चाहिए, काटने के बाद में नहीं। और जो बड़ा है उसको हम दो पीस कर लिए हैं, और जो छोटा है उसको मतलब हम उसी में मतलब लगे रहने दिए हैं दो दो पीस करके। ठीक है, अब इसको करना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहीं इसका हम मेरीनेशन करेंगे। इसमें करीब 4 चम्मच फ्रेश दही होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा दही नहीं। मशरूम में मैरिनेशन? हाँ, होगा। हाँ, मतलब इतना दही डाल दिए। देखो इसमें हम भर के 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन? हाँ हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हैवी मैरिनेशन हो रहा है मम्मी? हाँ, एक चम्मच ये गरम मसाला डाल दिए। अब देखो यहीं थोड़ी सा हम कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, क्योंकि इसका कलर भी अच्छा आना जरूरी होता है। और थोड़ी सा हल्दी। मम्मी मशरूम बहुत हाई प्रोटीन होता है। हाई प्रोटीन होता है। हाँ, ये थोड़ी सा 1/4 चम्मच ये नमक। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। ये हो गया मम्मी मैरिनेशन। हाँ, मैरिनेशन हो गया, कोई झंझट इसमें थोड़े है बनाने में। अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए रहने देंगे। ठीक है, अब ये करीब 15 मिनट हो गया है मैरिनेशन में रखे हुए मशरूम को। अब देखो हम बनाना शुरू करते हैं। हम तेल डाल दिए, सरसों का तेल है, आप अपने अनुसार जो तेल खाते हो डाल लीजिएगा। रिफाइंड भी डाल? हाँ, रिफाइंड भी डाल सकते हैं हम। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम, 1 चम्मच ये जीरा डाल देंगे। आँच को, हाँ आँच को कम रखेंगे। ये कुछ शाही जीरा नहीं है, नॉर्मल। कुछ खड़े गरम मसाले हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची है, 4 लौंग है, ये सब है इसमें। हाँ, ये शाही जीरा नहीं है, बहुत नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल जीरा है ये। अब देखो जीरा फूल गया है, अब यहीं हम ये प्याज डाल देंगे। ये 2 प्याज है, हम रफली काट लिए हैं। देखिए ये 2 मीडियम साइज प्याज है, इसको हम रफली काट लिए हैं। 2 हरी मिर्ची भी इसमें डाल दिए हैं। प्याज गया अंदर? हाँ, प्याज गया अंदर। अब मैं बताऊँ क्या करना है? हाँ, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक। हाँ, तुमको पता है ना। अरे ये थोड़ी सा लहसुन हम छील लिए इसको भी, क्योंकि इसका भुना का अलग टेस्ट आएगा। ठीक है। हाँ, अब देखिए प्याज भून गया है। प्याज बिल्कुल परफेक्ट भूनना चाहिए, इसी सब पर तो स्वाद डिपेंड करता है। प्याज एकदम परफेक्ट भूना भी है। हाँ, देखो आँच को बिल्कुल कम कर देना है, बिल्कुल। अरे देख, 2 छोटे चम्मच हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। धनिया पाउडर? हाँ हाँ, 2 चम्मच हम ये मिर्ची भी डालेंगे। ये तीती वाली है, तीती वाली मिर्ची डालेंगे 2 चम्मच। मिर्ची कोई अपने अनुसार रख सकता है। ये 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है। और देखो हम 2 चम्मच यहाँ मटन मसाला डाल रहे हैं। ओहो, मटन मसाला बिल्कुल वेजिटेरियन होता है, बस उसका नाम है मटन मसाला। मटन मसाला? हाँ, गया इसमें भाई। हाँ, अब तो स्वाद बस आएगा। 1/2 चम्मच हल्दी, वहाँ भी हल्दी थोड़ी पड़ा हुआ है, 1/2 चम्मच हल्दी डाल दिए। नमक भी डाल ही दो। हाँ, नमक तो डाल ही देंगे ना मम्मी। मटन मसाला गया है। हाँ, अब स्वाद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। अब देखो यही टमाटर डाल देंगे। ये 2 टमाटर है, इसको छोटे छोटे काट लिए हैं। गया टमाटर। हाँ, और नमक हम देखो 1 चम्मच से भी थोड़ी कम नमक हम डाल रहे हैं। नमक? हाँ, क्योंकि थोड़ी नमक उधर डाला है। टमाटर जाता है तो नमक तो जाता। हाँ, ही मम्मी। बस अब बिल्कुल आँच को अभी धीमी ही रखना है। हाँ, बस अब देखो ये हल्का 1-1.5 मिनट तक ही भूनने के बाद इसको अब इसमें हम पानी डाल देंगे। देखो 1/2 गिलास करीब पानी गया। क्या बात है। और इसको हम 2 सीटी लगने देंगे मीडियम आंच पर। 2 सीटी? हाँ, इस मसाले को। और गैस को हम बंद कर रहे हैं अभी। बंद कर दो। हाँ, और 2 सीटी लग जाए। हाँ, 2 सीटी लग जाए अपना मसाला। हाँ, मटन मसाले वाला मसाला तैयार हो जाए। हाँ, फिर मिलते हैं 2 सीटी के बाद। अब देखो ये 2 सीटी के बाद हम बंद कर दिए थे। इसका प्रेशर भी खत्म है, देखो गल गया है मसाला। हाँ, मसाला गल गया है। अब हम गैस को चालू कर ले। गैस चालू कर लो मम्मी। टमाटर भी जो था अपना। हाँ, पूरा गल गया है। हाँ, वो तो गल जाएगा बिल्कुल। गैस चालू हो गया। हाँ, गैस चालू हो गया है। अब देखिए ये जो रखा हुआ है ना, ये मेरीनेट करके ये मशरूम, इसी को इसमें डाल देना है।
मम्मी बहुत मस्त दिख रहा है ग्रेवी के साथ, बहुत अच्छा दिखेगा ये। दही आई का मैरिनेशन गया है ना, अब इसका स्वाद कुछ अलग ही आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टेस्टी बनेगा। अभी से देखो, अभी से आप देख लो। देखिए इसको नुकीला चीज़ से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, कुत्ते का ऐसे ऐसे कलछू ले लो चाहे कुछ ऐसे रगड़ते हुए, हाँ। तो प्याज भी पूरा टूट जाएगा, उसका शेप क्यों खराब करना है ना। शेप नहीं खराब करना है, बस ये पक जाए, शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। अब देखो इसको हम तब तक भूनेंगे कि जब ये पानी सूख जाए और तेल सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये भून गया है। देखिए आप देख सकते हैं तेल बाहर, मतलब दिख रहा है बाहर, साइड साइड में तेल आ गया, साइड साइड में तेल दिख रहा है। अब हम इसमें जरूरत अनुसार अपनी ग्रेवी डालेंगे। कलर भी बढ़िया आ गया भूनने के बाद। ये भी बात देखो वही है दही वाला बर्तन, इसमें थोड़ी सा आप तो छोड़ने वाली नहीं, क्यों बर्बाद करें। बस थोड़ी ग्रेवी वाला हमको बनाना है तो हम इसमें करीब करीब एक गिलास पानी हम डाल दिए, तब ना थोड़ा तरी वाला बनेगा मम्मी, तब तो मजा आएगा। थोड़ी सोखता भी है। बस अब इसको हम गैस बंद के ये लीड लगा के हमको बस दो सीटी तेज आंच पर आने देना है और बस एक मिनट के लिए सीम आंच पर करके फिर गैस बंद कर देना है। ठीक है, मीडियम आंच होना चाहिए। ठीक है, हाँ बंद कर रहे हैं। बंद कर दो। अब ये दो सीटी लगने के बाद हम बंद कर दिए थे, अब हमको लग रहा है प्रेशर भी खत्म हो गया है। खत्म हो गया है मम्मी, प्रेशर खत्म हो गया, कोई तनाव नहीं है। ओहो बन के तैयार हो गया है क्या? बन के तैयार हुआ है। क्या बात, चला के दिखा रहे हैं। चला के दिखा रहे। देखो ये टूटना तो है नहीं। मम्मी क्या दिख रहा है, देखो मशरूम, मशरूम ढाकड़ मसाले वाला मशरूम। बिल्कुल इतने ही ग्रेवी हमको इतने ही थिक चाहिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, पतला। खुशबू इतनी अच्छी आ रही ना मम्मी दही वाली ग्रेवी की, भाई साहब मशरूम तो देखिए, और उतना मशरूम देखो इतना हो गया। हाँ, मशरूम भी कई तरह का होता है ना बेटा, कोई है कि गलता नहीं, मतलब छोटा नहीं होता है, ये बड़ा बड़ा था बन के छोटा। ये बटन मशरूम है। हाँ बटन मशरूम है, ये हमको लग रहा है लोकल वाला है। अब इसमें मम्मी मैं बता रहा हूँ, धनिया पत्ता डाल दे। हाँ धनिया पत्ता डालना है, डाल दो डाल दो। ये गया धनिया पत्ता और ये चल गया अपना मशरूम का कलछी। कलछी, क्या बात है, थिक ग्रेवी वाला एकदम मस्त लग रहा है मम्मी, देखो खाने में मजा आ जाएगा उसको तो। देखो टेस्ट कर मम्मी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इतनी धाकड़ ग्रेवी, इतना सब कुछ देखने के बाद अब भाई से अब बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है, ठीक है ना। जो है कि अब इसको चावल के साथ जो मजा आने वाला है। अच्छा, मतलब चावल ही खाना है। चावल ही किंग है और उसी अच्छा। के साथ मशरूम एंड राइस आज चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। देखो सही में बहुत कोई अच्छा नहीं टक्कर में। हाँ। मशरूम के लगे हम चक्कर में। अच्छा ठीक है ना? अच्छा राइमिंग बना लिए। और स्वाद तो है भाई, खुशबू से बता रहा हूँ स्वाद तो है। चलो टेस्टिंग किया जाए। चलो बिल्कुल मम्मी करा जाए टेस्टिंग। टेस्ट करके बताओ। आज देखो कटोरे में अपन ने लिया है, वो भी चम्मच के साथ, तो आज चम्मच वाली गैंग को चाहेगी। चावल देखो भाई, चावल कितना गर्म है। चावल तो अभी का बना है। चलो भाई टेस्ट किया जाए। फर्स्ट बाइट। ओह मशरूम के साथ बाइट ली जाए वाली। मम्मी एक चीज कहूं। हाँ, बोलो। इसका टक्कर अगर नॉनवेज से भी हो जाए ना तो ये पीछे नहीं हटेगा, है ना। बहुत बढ़िया लग रहा है। कंपेयर तो लोग करते हैं नॉनवेज से ही। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, ग्रेवी तो इतनी अच्छी बनी है ना। ओहो दही वाली ग्रेवी तो मजा दे रही है एकदम। थोड़ा इसका कुछ अच्छा टेस्ट होता ही है। बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। राइस देखो, राइस के साथ तो भाई ग्रेवी एकदम। तो सब चीज राइस ही के साथ खाते हो वैसे।